टूटते प्रेम संबंधों को जोड़ देगा ये उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, प्रेमी से आपकी अनबन चल रही है, तो आपको एक ताला लेकर ये उपाय कर देना है और अपने प्रेम संबंधों में हमेशा के लिए मधुरता बनाए रखना है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्यार जीते जी आपको भुला नहीं पाएगा, वह दूर रहकर भी आपको ही चाहेगा। अगर आप किसी स्त्री से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो आपसे बात नहीं करती, तो उसके मन में, मस्तिष्क में आपके ही ख्याल घूमेंगे। अगर आपने सच्ची श्रद्धा से ये उपाय कर दिया, वह खुद चलकर आपके पास आएगी, वह ना चाहकर भी आपकी दीवानी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी पति पत्नी हैं और आप एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपके प्यार को किसी की बुरी नज़र लग गई है, यानी कि आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया है और वह किसी दूसरे के प्यार में पड़ गया है, तो आप बस ये उपाय कर लीजिए, पार्टनर का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। वह आपके सिवा किसी की तरफ देख नहीं सकता, ना चाहने वाला भी प्यार में पड़ जाएगा। अगर आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेते हैं, तो आपका प्रेमी आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी वाणी में कहा है कि जो व्यक्ति किसी से सच्चा प्यार करता है, वो उसको पाने के लिए लाख कोशिश करता है, दिन रात तड़पता रहता है, जब तक उसे उसका प्यार मिल नहीं जाता, उसे चैन नहीं मिलता। जो सच्चे प्रेमी होते हैं, वो एक दूसरे से अलग रहकर भी तड़पते रहते हैं, लेकिन आपको नहीं तड़पना है, आपको सिर्फ ये उपाय कर देना है और अपनी मोहब्बत को अपने पास खींचकर ले आना है। क्योंकि दोस्तों, ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल है। दोस्तों, अगर आप सभी भगवान श्री कृष्ण से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिख दें। दोस्तों, ये उपाय क्या है, आपने इसे कैसे करना है, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देरी न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की और बताते हैं कि आपने ये उपाय करना कैसे है। इससे पहले दोस्तों, ध्यान दें, ये उपाय आप किसी गलत मकसद के लिए ना करें और ना ही किसी को धोखा देने के लिए करें, क्योंकि ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और आप इसे अपने सच्चे प्यार के लिए ही करें, जिसे आप पाना चाहते हैं, अपने प्यार में दीवाना बनाना चाहते हैं, उसके लिए ही आप ये उपाय करें। दोस्तों, ध्यान दें, YouTube पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जो आपसे वशीकरण के नाम पर पैसे लेते हैं। उनके झांसे में ना आकर के आप उन चैनलों को देखना बंद कर दें। और वशीकरण कोई ये क्रिया नहीं है कि आप पैसे देकर कर लें, आपको पूरा विश्वास और दिल में प्यार होना चाहिए, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। वशीकरण तो वो प्रेम मंत्र है जिसे आप अपने आप ही कर सकते हैं और प्यार में दीवाना बना सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे चैनल आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे पैसे लेकर आपके YouTube से विश्वास को ख़त्म कर रहे हैं। मेरी वीडियो में भी बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में नंबर डाल रहे हैं। मैंने एक नंबर पर कॉल कर देखा तो वह बोला कि मैं चैनल वाला बाबा बोल रहा हूँ, आप वशीकरण करवाना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं वशीकरण करवाना चाहता हूँ। मुझसे बोला 3,000 रुपये लगेंगे। तो दोस्तों, मैंने कहा कि 3,000 रुपये में आप किसी का भी वशीकरण करवा सकते हैं? तो बोला नहीं, किसी का नहीं, सिर्फ आप अपने प्यार को अपने बस में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब लुटेरे हैं। एक भाई का मेरे पास फोन आया, मुझसे बोला बाबा जी, आपके कमेंट बॉक्स में जो नंबर थे मैंने उन पे कॉल किया, मेरे 3,000 रुपये डूब गए, आप मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं अपने वीडियो में पैसे रुपए लेने के लिए काम नहीं करता, मैं तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा से इन वीडियो को बनाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ।
आप बस इन उपायों को करके ही आप किसी को अपने बस में कर सकते हैं, रुपया पैसा देकर नहीं। मेरा कोई लेन देन नहीं है इन रुपयों पैसों से। वो बहुत मायूस हुआ। मैंने उसे बहुत समझा दिया। मैंने कहा कि आगे से ध्यान रखना, किसी को रुपया पैसा नहीं देना। तो दोस्तों ध्यान देना है आपको भी, आप किसी के झांसे में नहीं आए। देरी ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और बताते हैं कि आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले एक नया ताला लाना है, यानी कि लॉक लाना है। उसके बाद आप इस लॉक को ले जाकर कहीं सुनसान स्थान पर चले जाना है, जहां आपको कोई देखे ना, कोई टोके ना। दोस्तों दिन मंगलवार, रविवार, बुधवार और गुरुवार का होना चाहिए। आप शाम के समय सूर्य अस्त के बाद सुनसान स्थान पर चले जाएं। अब आपको इस लॉक के साथ दो चाबी मिली होंगी। एक चाबी पर अपना नाम लिख लेना है, दूसरी चाबी पर अपने प्यार का नाम लिख लेना है। अब इस ताले को आप अपने दाएं हाथ में रखकर अपने सर के ऊपर से 3 बार घुमाकर, यानी कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में आप अपने सर से 3 बार उतार लें और मन ही मन प्रेमी का नाम लें। दोस्तों उतारने के बाद में आप इस ताले पर फूंक मार दें। अब जिस चाबी पर आपने अपने प्यार का नाम लिखा था उसी चाबी से आप इसको लॉक कर दें और अपने नाम वाली चाबी से इसे खोल लें, यानी कि लॉक को खोल दें। दोस्तों यह क्रिया आपको 33 बार करनी है। अपने प्यार वाले नाम वाली चाबी से लॉक लगाना है और अपने नाम वाली चाबी से लॉक खोलना है। यह क्रिया 33 बार करते हुए आपको 33 बार ही अपने प्यार का नाम मन ही मन लेना है। उसके बाद आप इस तारे को अपने पीछे की तरफ फेंक देना है और अपने घर वापस आ जाना है। दोस्तों प्यार आपके कदमों में होगा, वह आपसे एक पल दूर नहीं रह सकता। जहाँ भी रहेगा आपके ख्यालों में डूबा रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।